बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। बिजनौर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो कार्यकर्ता कम से कम 100 सदस्य बनाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। सक्रिय सदस्य बनने के बाद वो व्यक्ति पार्टी का कोई भी पदाधिकारी बनने के लिए अधिकृत होगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। हर पदाधिकारी को और कार्यकर्ता को टारगेट दिया गया है, जो 100 लोगों को सदस्यता दिलाएगा वह पार्टी का सक्रिय सदस्य माना जाएगा। वह किसी भी पार्टी और संगठन के पद पर रहने का अधिकृत होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजनौर जिले में लगभग 1,65,000 सदस्य बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में। उनका टारगेट प्रत्येक व्यक्ति से चर्चा आपसे की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, वो क्षेत्र के हों, जिले के हों, और ऐसा मिला के नीचे तक सब लोगों को जोड़ना। जो कम से कम 100 सदस्य बनाएगा उसी को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्य, प्राथमिक नहीं, सक्रिय सदस्य उसको बनाया जाएगा। और सक्रिय सदस्य बनने के बाद वो व्यक्ति पार्टी का कोई भी पदाधिकारी बनने के लिए अधिकृत होगा। पार्टी यानी ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय सदस्य होता है उसी को ही भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बनाने का निर्देश, या कहिए उस सीक्वेंस में सिस्टम आता है, या न्यूनतम योग्यता उसकी 100 सदस्य बनाना है। तो उसके लिए पार्टी के सब लोगों को टारगेट मिले हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे विंद जी यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं। तो अभियान हमारा 11 से 17 सितंबर तक चलने वाला है, जिसमें सभी पदाधिकारी, MLC, MLA, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी सब लोग घर घर जा करके सदस्य बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा 12 सितंबर को विशेष रूप से पार्टी के पदाधिकारी अलग से निकले हैं। 11-17 के बीच में 12 सितंबर अभी आती है, और जितने भी हमारे बूथ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1,62,012 ऐसे बूथों पर ये अभियान चलेगा। और इसके लिए प्रदेश में 27,632 हमारे शक्ति केंद्र हैं, उन सभी शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ता हमारे काम करेंगे।